देखिए अजमेर के लिए आज फिर एक बुरी खबर आई है। जब सुबह मॉर्निंग का जो मेडिकल था बुलेटिन जारी हुआ है तो उसके अंदर एक और पॉजिटिव केस कोरोना का सामने आया है, और ये जो पॉजिटिव केस है ये उसी परिवार से है जहाँ से सबसे पहले दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। 30 वर्षीय युवक का आया था जो पंजाब से अजमेर के अंदर आया था। शुरुआत के अंदर 4 लोग टोटल परिवार से ही पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद में जो उसी परिवार की जो लड़की थी एक, उसकी रिपोर्ट शुरुआत के अंदर नेगेटिव थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। आज सुबह के मेडिकल बुलेटिन में इस बात का जिक्र किया गया है। सबसे खास बात यह है कि जब पहले जांच की गई थी तब लड़की में किसी प्रकार के कोरोना वायरस से संबंधित सिम्टम्स नहीं थे। उनके जब सैंपल लिए गए थे तब उनके अंदर इस तरीके की कोई कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं था। कोरोना वायरस उस तरीके से उस लड़की को संक्रमित नहीं किया था, लेकिन जैसा कि WHO कह रहा है और मेडिकल की टीम लगातार कह रही है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो 9 से 14 16 दिन तकरीबन लगाता है अपने कोई भी असर दिखाने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि संक्रमित व्यक्ति के टच में आने के बाद ही तुरंत प्रभाव से अपना असर दिखाने लग जाता है। और उसी का नतीजा है, जब शुरुआत के अंदर पहले जब किया गया था सैंपल लेकर जांच की गई थी तब उस तरीके से रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी, लेकिन अब वापस से जो लड़की है, लड़की के अंदर सिम्टम्स देखे गए हैं और दोबारा से जब सैंपल्स लेकर जांच की गई है तो उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। हालांकि ये जो पूरा परिवार है, पूरा परिवार जयपुर के अंदर है, अजमेर के अंदर कोरोना पॉजिटिव के किसी भी मरीज को नहीं रखा जा रहा है। इन तमाम मरीजों को, जितने भी पूरे 5 जो परिवार के लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इनको जयपुर ही रेफर किया गया है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त हमको ये भी मिल रही है कि इस इलाके से जहाँ से ये मिले हैं, खारीकुई का जो इलाका है, इसके आसपास में जो लोग रहते हैं, तकरीबन 26 लोगों को मेडिकल की टीम ने चिन्हित किया है जो इस संक्रमित जो परिवार है, कोरोना पॉजिटिव जो परिवार है, इनके टच में आए थे, इनसे मिलना जुलना हुआ था, और उन 26 लोगों का मेडिकल टीम ने सैंपल लिया है और उसको भी जांच के लिए भेजा है। अब देखना यह होगा कि इन 26 लोगों की रिपोर्ट क्या आती है। सबसे गंभीर बात यही है जो हम फिर बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि जैसे कि इस परिवार की जो लड़की थी जो बची हुई थी अभी तक, जिसकी एक सिंगल रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी, लेकिन उसके बाद जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े दिन बाद नजर आए थे और उसके बाद जब दोबारा जांच हुई तो उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ठीक उसी तरीके का असर इन 26 लोगों के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हो सकता है जो 26 लोगों को चिन्हित किया गया है इनमें संक्रमण अभी ना आया हो, लेकिन आने वाले जो दिन हैं उनमें इस चीज की संभावना भी बनी रहती है उसको, और उस बात को कहीं भी कोई भी नकार नहीं सकता है। मेडिकल टीम भी इस बात को गौर कर रही है इस वक्त कि इन लोगों का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए, इनको होम आइसोलेशन में रखा जाए, किसी प्रकार से ये अपने ही परिवार के टच में ना आए जिससे कि कोरोना वायरस जो है वो दूसरों के अंदर फैल जाए। तो ये चिंता की बात भी है कि जो 26 लोगों के सैंपल लिए हैं, इन 26 लोगों की पहले तो रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन उस रिपोर्ट के साथ ही आने वाले जो दिन है, आने वाले 7 से 10 दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है इन 26 लोगों के लिए। इन 26 लोगों से टच में किसी को आना भी नहीं है, उनके परिवार के जो लोग हैं उन्हें भी नहीं आना है, और उसके बाद ये देखना होगा कि ये अपना कितना एहतियात रखते हैं और उस एहतियात के चलते ही ये 26 लोग कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-780-46। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।